स्टार्ट करते हैं। 54 है। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ होम इंटीलिटी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को ये वाला। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल इसमें देखिए आपकी ज़्यादा हो रही है, 32 लाख का कितना हो रहा, 33 लाख। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में डालेंगे 1 लाख। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1 लाख इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है रिजर्व एंड क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। नीचे नोट दे रखा, पढ़ लेते हैं क्या इसके अंदर दे रखा है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, प्रॉफिट लॉस पहले लेंगे 30,000। ये भर की नोट में ले लिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका हो रहा है 280 का कितना हो रहा है, 350, यानी 70,000 ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो 70,000 ये डालेंगे ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दो नंबर देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें दे रखे हैं डिबेंचर दे रखी हैं, 15 लाख के कितने हो रहे हैं, 16 लाख हो रहे हैं। तो ज़्यादा हो रहे हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ लेंगे, और ये डिबेंचर आपके इशू हो रहे हैं 1 लाख के इशू लेंगे यहाँ पे। 1 लाख के क्या इशू हो गए, इशू ऑफ डिबेंचर। तो अब इसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपका, तो अगर कुछ नहीं कह रखा तो आपका 15 लाख पे बन जाएगा। लेकिन उसने कहा हुआ जो एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू करे हैं ना आपने, वो हमने करें 1/4/2017 को, यानी पहले दिन इशू कर दिया आपने। अगर डिबेंचर आपके पहले दिन इशू हो रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 16 लाख के ऊपर बनेगा, यानी आपने 16 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट का रेट क्या दे रखा है, 10%। तो 16 लाख का 10%, तो 1,60,000 बनेगा। एक बार तो इंटरेस्ट ऊपर क्या होता है, ऐड होता है यहाँ पे, 1,60,000 ऐड कर देंगे। और एक बार फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेड, आपका 1,60,000 यहाँ लेस कर देना इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन। कैश फ्लो फ्रॉम किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ पे ऐड होगा, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे हम इसको लेस कर देंगे 1,60,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम एक बार। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर लॉन्ग टर्म ब्रोइंग आपने कर लिया। अब ट्रेड पेबल सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। ट्रेड पेबल देखिए आपका ज़्यादा कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल लेंगे यहाँ पे 1,93,000 माइनस में जाएगा ट्रेड पेबल के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है। प्रोविजन फॉर क्या आ रहा है, टैक्स। कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं दे रखी टैक्स वगैरह की, तो सीधा आपको बताया था कौन सा ऐड करना है कौन सा लेस करना है। 30,000 तो हमारा ऐड होगा वर्किंग नोट में, यहाँ लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड 30,000 ऐड कर देंगे यहाँ पे। और जो पिछला दे रखा लास्ट ईयर वाला हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे यहाँ पे टैक्स पेड। तो टैक्स पेड आपका आएगा 27,000 माइनस कर देंगे ऊपर। इन्वेस्टिंग से बिल्कुल ऊपर ध्यान रखना, यहाँ लेस टैक्स पेड होगा इंक्रीज डिक्रीज के बाद, ये लेस कर देना। कितना लेस करोगे, 27,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। असेट्स में आ जाते हैं, टेंजिबल असेट्स नंबर 3 देखते हैं क्या इसके अंदर है। नंबर 3 में आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। अब सिंगल दे रखा है, कोई डेप्शन का अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सिंगल अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का। नीचे इसकी अटैचमेंट दे रखी है यहाँ पे, तो बना देते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम 2 में लेंगे, 34,60,000 है। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेंगे, बाय में लेंगे, 39,50,000 ले लेंगे। ठीक है, एक तो मशीनरी आपने एडजस्टमेंट दे रखी है कि मशीनरी आपने 8 लाख की परचेज की है, मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज आप 2 में डाल देंगे यहाँ पे, 2 बैंक परचेज डालते हैं। तो परचेज हमने की है, कितने की परचेज की है, 8 लाख की परचेज दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है कि मशीनरी की जो कॉस्टिंग थी वो आपकी 70,000 थी, डेप्शन कितना लगा, 10,000 लग गया, और उसको सोल्ड कितने में करा, 1,45,000 में, सॉरी 45,000 में सोल्ड कर दिया। देखिए मैंने आपको कहा था जब सिंगल अकाउंट बनता है ना तो इसके अंदर आपका ये डेप्शन नहीं आया करता है एक्युमुलेटेड वाला, उसमें आता है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन इस बार उसने परचेज दे दी तो अपने आप निकल के आएगा, आपको ये डेप्शन नहीं लिखना आपने, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो आपने सोल्ड करना है, सोल्ड कितने में करा, 45,000 में। तो बाय बैंक सेल दिखाएंगे 45,000 की, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ है क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले 70 में से 10 घटा देंगे, तो 70 में से 10 घटाइए, 60,000 बुक वैल्यू रहेगी। 60,000 का आपने कितने में सोल्ड कर दिया, 45,000 में सोल्ड कर दिया, तो 15,000 का ये हमारा लॉस आ जाएगा। तो बाय लॉस, लॉस हमारा कितना बनेगा, 15,000 का लॉस दिखा देंगे यहाँ पे। अब आप इसको टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो टोटल जब आप करेंगे तो ये हमारा टोटल बन जाता है इस साइड का, ये साइड ज़्यादा आएगी आपकी 42,60,000। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, 42,60,000 ले लेंगे। तो ये हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो बाय करंट ईयर
डेप्रीशिएशन ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और करंटली डेप्रीशिएशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2,50,000 बन जाए, ये हमारा डेप्शन निकलेगा यहाँ से जो हम निकालते हैं ना करंट ईयर वाला। एक तो ये डेप्शन ये ऐड करना है आपने, कितना ऐड करोगे इसके अंदर, 2,50,000 डेप्शन ऐड कर देना। एक लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस हुआ है आपका, कितना लॉस हुआ इसमें, 15,000 का लॉस ऐड कर देना। उसके बाद एक हमारी सेल है, सेल परचेज हमारी कहाँ आती है, इन्वेस्टिंग में आती है। एक तो सेल ऑफ मशीनरी सेल ले लेंगे हम 45,000 की सेल, और एक हम परचेज ऑफ मशीनरी लेंगे, परचेज दे रखी है हम 8 लाख की परचेज दिखा दें। ये पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, टेंजिबल हो चुका है, उसके इंटेंजिबल पे आ रहा हूँ नंबर 4 पे। नंबर 4 में इंटेंजिबल में हमें दे रखी है इस बार गुडविल है, और गुडविल हमारी ज़्यादा हो रही है, 40,000 की कितनी हो रही है, 50,000। तो परचेज ऑफ गुडविल तो यहीं पर डालेंगे, परचेज ऑफ गुडविल 10,000 यहाँ पर डाल देंगे, ब्रैकेट लगाना, ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और उसमें देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा, 6 लाख का 6 लाख कोई चेंज नहीं है, और नीचे भी कोई एडिशमेंट इसकी नहीं दे रखी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। फिर आगे करंट इन्वेस्टमेंट हो तो लेते नहीं, हम बाद में लेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्या लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल लेंगे 10,000 माइनस में। ट्रेड रिसीवेबल के बाद फिर हमें दे रखा है इसके अंदर इन्वेंट्री दे रखी है, क्या दे रखी है, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमारे पास ये भी आपकी कम हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री हम कितनी लेके चलेंगे, 2 लाख लेके चलेंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्री 2 लाख ये दिखा देंगे। कैश बैंक आप छोड़ देंगे, कैश बैंक तो हम बाद में लेते हैं। अब देखते हैं क्या रह गया नीचे, लेना पॉइंट हमारा ये वाला हो गया पॉइंट, मशीनरी वाला हो गया। एक इंटरिम डिविडेंड दे रखे 11,000 पेड की है, इसकी एंट्री कितनी बार, 2 बार, एक बार तो ऊपर क्या होता है ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे ऐड कर देंगे वर्किंग नोट में 11,000, और एक बार फाइनेंसिंग में लेस होता है इंटरिम डिविडेंड, कितना लेस करेंगे, 11,000 लेस कर देंगे। और एक इसमें दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 18 का तो दे रखा है 20,000 मार्च 31, 2018 का, और 17 का दे रखा है 13,000। मैंने आपको कहा था जो डिविडेंड लेना वो प्रीवियस ईयर का लेते हैं, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है, 13,000 दे रखा है ना, इस डिविडेंड को लेना है एक बार, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे ऐड कर देंगे वर्किंग नोट में ऊपर, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना लेके चलेंगे, 13,000 ये ऐड, और फाइनेंसिंग में लेस होता है, कहाँ पे लेस होता है, फाइनेंसिंग में, प्रपोज डिविडेंड आप कितना लेस करेंगे, यहाँ पे 13,000 यहाँ पे लेस कर देंगे, यानी 13,000 ही ऐड होगा, 13,000 ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, तो प्रॉफिट को लेके आते हैं ऊपर से, टोटल करेंगे यहाँ पे, टोटल हिसाब पॉइंट आपके अंदर 1,54,000 बनता है, और इसको यहाँ लेके आएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,54,000, फिर यहाँ तक ऐड करेंगे ये आ जाता है 5,79,000 आ जाता है। उसके बाद 22 लाख इसमें आप फिर ऐड करेंगे 7,79,000, फिर उसके बाद ये आपका लेस हो जाएगा 2,03,000, इसमें से माइनस कर देना, ये हमारा आ गया 5,76,000 आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 27,000 माइनस हो जाएगा, 5,49,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,49,000। अब उसके बाद नेक्स्ट में करते हैं, तो इसमें आपका बन जाता है 8,10,000, 45 से माइनस हो जाएगा, तो 7,65,000 माइनस का, यहाँ भी क्या लेंगे, 7,65,000 किसका ले लेंगे, माइनस का ले लेना, ठीक है। ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद फिर इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आपका बन जाता है यहाँ पे, ये बनेगा आपका 16,000 प्लस का, हम यहाँ पे ले लेते हैं, बेशक यहाँ लिख दीजिए 16,000 किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब तीनों को टोटल करेंगे हम, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 लाख माइनस का आ रहा है, 2 लाख किसका आ रहा है, माइनस का, तो ये आपका हो गया नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसमें चेक करते हैं, ये दे रखा है 670 तो आपका कैश का है, और 30 आपका करंट इन्वेस्टमेंट का, देखा देखो एक सामने ना आपका, तो 670 एक ले लेंगे, 30 एक ले लेंगे, टोटल कितना बनता है, 7 लाख बन जाता है, 7 लाख ऐड करेंगे यहाँ पे, ये मैंने ऐड कर दिया, देखिए 7 लाख इसके अंदर, और तुम्हारा कितना निकल के आया, 5 लाख निकल के आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो आज जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपने वो कर लेने, 53 करी है मैंने, 54 कराया, इन दोनों क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लीजिए बस। अब एक तो दिन का चैप्टर आपका है, बीच में क्वेश्चन पीछे पीछे छोड़े हो ना मैंने, वो करा के चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन है वो करके, उसके बाद चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।